गुड मॉर्निंग। आज हम मिथाइलेटेड स्प्रिट या फिर डीनेचर्ड अल्कोहल के बारे में बात करेंगे कि ये होते क्या हैं। तो जो इथाइल अल्कोहल है उसका इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है, इंडस्ट्रीज में एज अ सॉल्वेंट उसको यूज किया जाता है, और दूसरा यूज उसका ड्रिंकिंग पर्पज में होता है। अब यार इंडस्ट्रीज में तो लेबर काम करती है, और लेबर और एथाइल अल्कोहल दोनों साथ साथ में मिल जाएं, तो फिर उस इंडस्ट्रीज का, उस फैक्ट्री का सीन कुछ अलग ही होगा। लेबर तो अल्कोहल पी के टुंड पड़ी रहेगी, काम तो हो गया, तो हमें यार फैक्ट्री में काम करवाना है और काम लेबर ही से करवाना है, तो हम फिर क्या करते हैं, उस अल्कोहल में कुछ ऐसा सब्सटेंस ऐड कर देते हैं जिसके कारण उसको पिया ना जा सके, उसको अनफिट बना देते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। तो हम उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो उसको अनफिट बनाते थे फॉर यूजिंग मिथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल में हम मिथाइल अल्कोहल डाल देते थे, तो अब आप इस अल्कोहल को पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसको पीने से मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो ऑप्टिक जो नर्व होती है उसको डैमेज कर देती है, जिसके कारण वो व्यक्ति, पीने वाला व्यक्ति जो है परमानेंट ब्लाइंड हो सकता है, अंधा हो सकता है। लेकिन ये उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। सपोज कि किसी ने गलती से पी लिया और वो परमानेंट अंधा हो गया, तो उसकी जिंदगी तो बेकार हो गई। तो अब मिथाइल अल्कोहल का यूज नहीं करते, पहले करते थे, जब हम करते थे तो उसको हम बोलते थे मिथाइलेटेड स्प्रिट, लेकिन अब उसका यूज नहीं करते, तो फिर अब हम क्या यूज करते हैं, तो हम ऐसा सब्सटेंस यूज करते हैं जिसकी स्मेलिंग जो है वो बैड हो, बुरी स्मेल हो। तो सपोज अल्कोहल में आप पेट्रोल डाल दो, तो क्या उस अल्कोहल को कोई पी पाएगा? उसमें कैरोसिन डाल दो, कोई पी पाएगा? नहीं। उसमें एसीटोन डाल दो, उसमें पाइरिडीन डाल दो, या फिर उसमें कोई कलर्ड सब्सटेंस डाल दो, जैसे कॉपर सल्फेट डाल दिया, ये ब्लू कलर हो जाता है, या फिर आप उसमें कलर्ड डाई डाल दो, तो फिर उसको कोई पी नहीं सकता। तो इथाइल अल्कोहल को अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बनाने के लिए हम जिन सब्सटेंस का यूज करते हैं, वो सब्सटेंस आपके हो सकते हैं एसीटोन हो सकता है, पाइरिडीन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, या फिर कोई कलर्ड सब्सटेंस, कॉपर सल्फेट या कलर्ड डाई जो है वो हो सकती है। आप उसमें नाली का पानी भी डाल सकते हो, तो नाली का पानी डाल दिया तो फिर उसको कोई पिएगा? कोई नहीं पिएगा। तो जब हम ये सब्सटेंस इथाइल अल्कोहल में डाल देते हैं तो इथाइल अल्कोहल जो है वो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। जब हम पहले मिथाइल अल्कोहल का यूज करते थे तो उसको मिथाइलेटेड स्प्रिट बोलते थे। तो इथाइल अल्कोहल विद 5% मिथाइल अल्कोहल, अ कलर्ड डाई एंड सम पाइराडीन, या फिर पाइराडीन की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, आप एसीटोन यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।